गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं इसमें यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया यूपीपीसीएल के। और एक क्वेश्चन 13 नवंबर 2016 को पूछा गया था। ठीक, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल आर कनेक्टेड थ्रू पोरस पाइप टू ए स्लंप वेल नोन एज। तो ऑप्शन देखिए, हम डायरेक्ट आंसर बताते रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, और क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा, ऑप्शन पढ़ने से टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो कम का चाहिए। तो चलते हैं अपना, तो अपना पहला क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल आर कनेक्टेड थ्रू पाइप पोरस पाइप टू ए स्लंप वेल नोन एज, क्या उसको बोलते हैं, जैक वेल। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डेवलप एक्सप्लोसिव टेंडेंसी इन वाटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है सल्फर, मीथेन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्मॉल करंट डेंसिटी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा टिंटोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ द कैचमेंट इज 62.5 square mm एंड द एक्जियल लेंथ ऑफ द कैचमेंट इज 10 mm, द फॉर्म फैक्टर विल बी। तो इसका सही आंसर होगा 0.625। ठीक है, 0.625। 5 नंबर क्वेश्चन है, द पिच ऑफ द रूफ ट्रस इज यूजुअली, कितना होता है रूफ ट्रस, उसका पिच, तो उसका होता है 1/4, कितना होता है 1/4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द मैक नंबर फाइंड द मैक्सिमम सिग्निफिकेंस। तो मैक नंबर किस में उपयोग करते हैं, इसमें भी पता होगा, और मैक नंबर हम लोग बोलते हैं रूट अंडर इनर्सिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें है, तो इसका उपयोग करते हैं हमेशा कंप्रेसिबिलिटी में। ठीक है, फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कोर्स ग्रेवल स्पेसिफिक रिटेंशन इज, कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, मोडरेट होता है या मोर और लेस होता है। तो कोर्स ग्रेवल का स्पेसिफिक रिटेंशन होता है कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू स्टोन मेजनरी ब्रिक मेजनरी इज मोर, वो क्या होगा, फायर रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ एंड ऑफ ए 20 mm लॉन्ग कॉलम आर फिक्स्ड फॉर यूलर्स लोड्स कैलकुलेशन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ टेकन टू बी। तो आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा 10 mm। ठीक, 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पार्टिकुलरली डिजायर इन द मटेरियल विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोड। तो देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएल में, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टफनेस सही हो जाएगा। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, इफ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू द सीपेज प्रेशर द इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विल लिस्ट अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन ए सिटी, सबसे कम प्रभावित होती है, एक शहर में प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता सबसे कम प्रभावित क्या, तो वो है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट एंड वाटर वेन पोर इन टू द वर्क फॉर हार्डनिंग नॉर्मली टेक ब्लैंक डेज टू एक्वायर फिक्स प्रॉपर्टी, तो वो हो जाएगा 28 डेज। ये ऑलवेज हम लोग को पता ही होना चाहिए, और तो बच्चा वाला सवाल है कि 28 डेज के बाद ही फॉर्मवर्क उसको वहाँ से निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वर्टिकल सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर डी इज समर्ज इन वाटर व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो सही आंसर है आपका 5/8, सॉरी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/8, सी ऑप्शन सही है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ई रिप्रेजेंट द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल एंड जी रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा क्रिटिकल ग्रेडियंट, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, RRBJEE में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है IC, तो वो होता है G-1 और 1+ E होता है,
याद रखिएगा क्रेटिका ग्रेडियंट का g-1 1+ ये थे। इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आंसर दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, किसके कारण होता है कैपिलरी एक्शन। हम लोग जानते हैं कैपिलरी एक्शन कोहेजन और एडहेजन दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। और बताते हैं कोहेजन क्या होता है, एडहेजन क्या होता है। कोहेजन है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको कोहेजन बोलते हैं, और एडहेजन बोलते हैं उसको जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको एडहेजन बोलते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, किसके कारण कैपिलरी एक्शन होता है, तो वो होता है कोहेजन और एडहेजन दोनों के द्वारा। तो सी इधर सही हो जाएगा इसका। तो चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली ब्लैंक देन लिमिटिंग एक्टिव प्रेशर एंड ब्लैंक देन पैसिव प्रेशर। तो इसमें हो जाएगा आपका हायर एंड लोअर, तो सी सही हो जाएगा आंसर आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, इसमें जो फिगर दिया हुआ है वो कौन सा ट्रस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो है आपका वोल्टेज सेलिंग ट्रस, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू, सीयर स्ट्रेंथ सॉइल किसके कारण होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कोहेजन या स्ट्रक्चर असिस्टेंस इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन है ओनली वन फिर ओनली टू एंड टू एंड थ्री नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड इज ब्लैंक एंड ब्लैंक लेवर इज रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में वो जल्दी करते हैं और इसमें कम लेवर यूज होता है राइज एंड फॉल मेथड में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रैपिड एंड लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डिजाइन ऑफ ए फिलेट वेल्ड द साइज ऑफ वेल्ड फॉर राउंड डेड टो ऑफ रोल्ड सेक्शन मस्ट नॉट बी मोर देन ब्लैंक ऑफ द थिकनेस ऑफ द टो, उसको कितना होता है 3/4 होता है। याद रखिएगा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टील का क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग ए 20 मीटर चेन कंटेन कितना होता है, मतलब उसमें 20 मीटर चेन में कितना लिंक कंटेन होता है, तो उसको होता है 100 लिंक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। विस्कोसिटी क्या होता है, वो जितना गाढ़ा होगा ज़्यादा उसका थिकनेस होगा वो उसका विस्कोसिटी मोर होगा, और टेम्परेचर जैसे ही देते हैं तो उसमें विस्कोसिटी कम जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल मेथड ये क्या होता है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल मेथड, राइज फॉल मेथड में अर्थमेटिक चेक का नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेयर कंपास द ग्रेविटेड रिंग इज अटैच्ड टू, किसके साथ अटैच होता है, वो बॉक्स के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इफ़ एल रिप्रेजेंट द स्टाफ रीडिंग एंड एक्स एज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एरर ड्यू टू नन वर्टिकली ऑफ द स्टाफ विल बी, वो कितना होता है, एल इंटू सेक माइनस वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग इज रिकमेंडेड वेयर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, जहाँ बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, वहाँ लो, क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्डवुड एनवरिंग क्या होता है, वो क्लियर विजुअल एंड फार अपार्ट, क्या है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी क्या है, बेस लाइन है या टाई लाइन या चेक लाइन। तो पता है बेस लाइन ही सबसे लंबा होता है। तो चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अंडर स्ट्रेस इज, किसमें सॉइल मास डिक्रीज करता है, तो वो आपका है कंपैक्शन। ठीक है, कंपैक्शन और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर है। कंपैक्शन में जब कंपैक्शन करते हैं तो उसमें रिमूवल ऑफ एयर होता है, और कंसोलिडेशन करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द रिटेन सॉइल द रिटेनिंग वॉल विल टेंड्स टू मूव,
वो किधर क्यों मूव करना चाहेगा। तो आपका सही आंसर है अवे फ्रॉम द बैक फील्ड, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेंडिंग मोमेंट काउज कॉन्केविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज ब्लैंक एंड कॉल्ड ब्लैंक बेंडिंग मोमेंट। तो वो पॉजिटिव होता है और वो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। तो सही हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंड सैगिंग, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंजम्पटिंग यूज कोफिशियंट ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट बर्ले और फ्लैक्स एंड अदर स्मॉल ग्रेन इन अप्रोक्सीमेट। तो उसमें है 0.9, क्या लेते हैं 0.9। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए बॉडी सबमर्ज इन वाटर मेटासेंट्रिक हाइट इज रोलिंग कंडीशन विल बी इटासेंट्रिक हाइट फॉर पिच कंडीशन। यहाँ मेटासेंट्रिक हाइट ही है, यहाँ एम छूट गया है, सॉरी यहाँ एम छूट गया है, मेटासेंट्रिक हाइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डीप एट द इक्वेटर इज कितना होता है। डीप का मान कितना होता है इक्वेटर पे, तो वो होता है 0 degree, कितना होता है 0 degree। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग इज प्रोवाइड ऑन टू द ब्रेक टू, तो ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट देखिए, इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर ने, दूसरा है प्रोवाइडिंग ए की ऑफ मोटर, तो इसमें दोनों सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवेट जॉइंट क्या होता है। रिवेट जॉइंट वो बट जॉइंट होता है, क्या होता है, बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा स्पीड में देख रहे हैं आप, वीडियो को पॉज करके अपना ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पर एग्जाम बेस फैन चैनल पे, एग्जाम बेस चैनल पे आप इसको देख रहे हैं। हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर तो करना भूले नहीं, ताकि और स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन देख सके कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है UPSC में। और हाँ, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि बेल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो कोई वीडियो आया तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, लाइक इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, हम लोग को अच्छा लगे कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो लाइक तो एक बार बनता है यार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फ्लो इन सच डैट 1/3 ऑफ द स्टैटिक हेड इज कंज्यूम्ड इन पाइप फ्रिक्शन द पावर डिलीवर्ड बाय द गिवन पाइप लाइन विल बी। तो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड मेलिएबल मटेरियल पोजेस, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, गुड मेलिएबल मटेरियल पोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपेयर टू हाई रेट फिल्टर स्टैंडर्ड रेट फिल्टर रिक्वायर, क्या होता है, अधिक होता है, ठीक, क्या होता है, अधिक होता है, मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए पिजियोमीटर इज सुटेबल फॉर फ्लूड रिलेटेड मेजरमेंट विच आर, तो क्या होता है, स्मॉल और पॉजिटिव होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RCC कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट इफ लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो, वो कितना है, डायमीटर का रेशियो 15 less than 15 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ बी इज द विड्थ ऑफ फुटिंग, W इज द लोड पर मिनट मीटर एंड P इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देन द करेक्ट रिलेशन अमंगेस्ट देन विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर है, सॉरी इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर इंक्रीजिंग द इनफ्लो ऑफ वाटर टू सब सरफेस वाटर रिजर्वायर, तो इसका देखिए ऑप्शन पढ़ सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज कॉज ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर वार्मर देन इट्स सराउंडिंग, दूसरा है एयर स्ट्राइकिंग माउंटेन, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो आपका है इसमें सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लेमिनार फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज, वो कितना होता है, 2 होता है, सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिफरेंस इन द रिड्यूस लेवल ऑफ द एंड पॉइंट इज एच है, स्लोप करेक्शन फॉर ए स्लोप डिस्टेंस आई विल बी, तो कितना होता है एच स्क्वायर बाई टू आई, एच स्क्वायर बाई टू आई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ब्लैंक ऑफ द टोटल स्टोरेज ऑफ द रिजर्वायर इज एज्यूम्ड टू बी द डेड स्टोरेज इन द डैम रिजर्वायर, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 20-25%, ठीक 20-25%। पूछा है डेड स्टोरेज कितना माना जाता है, तो वो 20-25% माना जाता है। देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएल में। और एक क्वेश्चन है आपका 13 नवंबर 2016 का पूछा गया क्वेश्चन का, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ इन क्रस्टलेशन एंड सेडिमेंट डिपॉजिट आर फाउंड इन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्कलाइन वाटर, ठीक है अल्कलाइन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन ए बार ऑफ लेंथ एल एट टेम्परेचर टी अंडर इज फ्री टू एक्सपेंड थर्मल स्ट्रेस जनरेटेड इज इक्वल टू, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आपका सही है फिर क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ पी द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एक्सीडिंग 50,000 व्हेन विल द वाटर रिक्वायरमेंट, तो इसमें कितना होगा वाटर रिक्वायरमेंट, वो आपको न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, तो आपका सही आंसर बता दे रहे हैं 100√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाउंडेशन विच लेंथ इज कंसिडरेबल ग्रेटर देन इट्स विथ, तो उसको क्या कौन सा फाउंडेशन बोलते हैं, उसको राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं, क्या है उसमें द फाउंडेशन विच लेंथ इज कंसिडर ग्रेटर देन विड्थ, उसको राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज थ्रो ए एंड ऑरिफिस मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट डिस्चार्ज लाइज बिटवीन, वो कितना होता है 0.642-0.76। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड बाय रिजिड स्टॉक एट द हाइदर एंड, तो वो आपका हो जाएगा रिवर्सिबल लेवल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन बोथ द इंड स्टेशन ऑफ फ्री फ्रॉम लोकल स्टेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड बैक वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा तो उसमें कितना फोर वेयरिंग और बैक वेयरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो इसका सही हो जाएगा 180 डिग्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन इफ डी इज द ग्रॉस डायमीटर द मिनिमम पिच ऑफ रिवेट जॉइंट मस्ट बी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 2.5 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑब्टेन फ्लो नेट इफ द लोएस्ट फ्लो लाइन कन्फर्म टू द बॉटम बाउंड्री कंडीशन द फ्लो नेट, तो आपका इसमें सही है इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द सॉइल ब्लैंक वेयर इज इट्स परमेबिलिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज एंड इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट रूल करेक्शन ऑफ लेटिट्यूड ऑफ ए लाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डिपार्चर, क्या हो जाएगा डिपार्चर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी ओवर द एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल, इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन स्टोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हैवी स्ट्रक्चर लोड द फ्रॉम कॉलम टू सॉइल हैवी लो बेयरिंग कैपेसिटी, तो आपका सही है ग्रिलेज फाउंडेशन उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज, क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो होता है ड्राई सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वेन्स या टेस्ट ऑफ सॉइल द लेंथ ऑफ वेन इज यूजुअली केप्ट इक्वल टू ब्लैंक इट्स ओवर विड्थ, वो कितना होता है इक्वल, तो वो होता है दोगुना होता है, ठीक है डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज, तो वो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो वो आपका सही है पाई डी 4/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है जीरो हिंज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है इन द डिजाइन ऑफ डबल रेनफोर्समेंट बीम इफ एक्चुअली नेचुरल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस द सेक्शन इज, डबल
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। ए सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर वेगिंग 2000 kg एंड फॉलिंग थ्रू ए हाइट ऑफ 2 meter ड्राइव ए पाइल एंड एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ 0.5 cm अंडर द लिस्ट लास्ट फ्यू ब्लो, व्हाट विल द एलोएबल लोड फॉर द पाइल। तो आपका सही आंसर इसमें न्यूमेरिकल है, बना सकते हैं, हो जाएगा 88.88। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूरी टाइम इन कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल इज, तो इसमें हो जाएगा हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है द मिनिमम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश बॉन्ड यूज टू ब्रिक, वो कॉस्टली होता है इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए वेंचुरी मीटर टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो वो 7 degree होता है, डाइवर्जन 7 degree से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेस्ट विथ वाटर सप्लाई वर्किंग हेड इज जनरली टेकन ब्लैंक ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड, तो उसमें होगा आपका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल सो फॉर ए 20 meter आर्क द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज, वो इतना आंसर होगा निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकाउज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज ब्लैंक इरीगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमिएबल सॉइल, वो आपका सही आंसर हो जाएगा चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए थिन सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू फ्लूइड प्रेशर ऑफ 0.2 newton per meter per mm square हुज थिकनेस इज 5 mm एंड डायमीटर इज 20 mm, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हूप स्ट्रेस जनरेटेड इन इट, तो इसका बना लीजिएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक टायर रोल आर यूज टू यूज फॉर कंपैक्शन ऑफ ब्लैंक सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा सिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिएक्टेंस ऑफर टू स्लिपिंग ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू, तो इसमें देख लीजिए पूरा पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई ड्रेनेज सैनिटेशन एज पर IS कोड व्हाट इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन वाटर सिटी एंड टाउन, तो आपका सही आंसर है 200 liter per head, इसमें हो जाएगा 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्कस मेथड इज डिजाइनिंग 2-way slab थिकनेस ऑफ स्लैब इज जनरली टेकन टू बी, इसमें सही आंसर हो जाएगा 1/30। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू RCC स्ट्रक्चर इज, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर आपका लेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ ट्यूबर्स क्या है विथ ट्यूबरकुलेशन ऑफ द पाइप रफनेस ऑफ द पाइप ब्लैंक एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इरीगेशन टेक्निक इज प्रीफर वेयर एरिया हैज ए इरेगुलर टोपोग्राफी वेन एक्सेसिव स्लोप, तो उसमें होगा आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन उसमें यूज करते हैं, ठीक है स्लोप ज़्यादा रहेगा इसमें इरेगुलर टाइप का रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास 0.5 वॉइड रेशियो विल बी, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला होता है पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो के बीच में फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डी इज द डायमीटर ऑफ बबल एंड एस इज सरफेस टेंशन विच इज द प्रेशर इनसाइड द बबल, तो वो कितना होता है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और स्टेट के एग्जाम में तो वो हमेशा पूछा ही जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट इन द सेम रो आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस नोन एज, तो आपका सही आंसर है पिच, क्या है आपका पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ ब्लैंक इन वाटर इनहेंस द प्रोसेस ऑफ लीचिंग,
तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पंप विल स्टार्ट पंपिंग ओनली वेन प्रेशर हेड, तो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ब्रिटल मटेरियल, कौन ब्रिटल मटेरियल नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर आर देयर इन कंपाउंड फिंग ट्रस, तो वो टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द कंस्ट्रक्टेड ऑफ डोम्स, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लाइट स्टोन आर परफेक्टेड प्रीफर्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 91 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, उसके बाद सही आंसर आपका होगा 77.77 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव जनरेटेड इज 2 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टाइम इज, तो वो आपका है 1 सेकेंड लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल प्रिपेयर फ्रॉम रिफैक्टरी क्ले मिक्सड विथ स्टोन एंड क्रस्ट पोटरी आर कॉल्ड, तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्टोन वेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैमर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड यूजिंग, तो इसमें हो जाएगा सही स्लो क्लोजिंग वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट डिस्टेंस ऑफ ए कर्व ऑफ रेडियस आर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए एंगल ऑफ 60 डिग्री विल बी, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर आर बाई रूट थ्री। तो इसमें से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ द सॉयल अफेक्टेड बाय द कैपिलरी एक्शन, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कैपिलरी फ्रिंज एंड कैपिलरी जोन। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक से जरूर किया कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, ठीक है, और जितना क्वेश्चन बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम लोग को भी पता हो कि जो जो वीडियो हम लोग दे रहे हैं वो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 150 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग वे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा साउथ 30 डिग्री ईस्ट, इसको निकाल सकते हैं साउथ 30 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीज, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंटोर मैप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, कंटोर मैप किसके लिए यूज नहीं करते हैं, कैलकुलेटिंग द वाटर कैपेसिटी रिजर्वायर या डिटरमाइनिंग द कैचमेंट एरिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन, तो इसमें है दोनों के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल ट्रायंगल इज सेट टू बी इक्विलेटरल इफ स्लो ऑफ सिंपल फिंग ट्रस इज, तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री, ट्रस में 30 डिग्री ही लेता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल डिपेंड अपॉन, तो वाइडिस पर डिपेंड करता है या ग्रेन साइज पर डिपेंड करता है, तो द करेक्ट एमोगस दीज आर, तो इसमें सही आंसर है आपका बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली खाली स्थान बोले या ब्लैंक बोले, कभी कभी हिंदी भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली ब्लैंक टाइम द इलास्टिक स्ट्रेन, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 10 to 15, ठीक है, आंसर हो जाएगा आप सही 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन रहा है तो एक बार लाइक जरूर ठोको जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेफ लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन पब्लिक सप्लाई इज जनरली, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 250 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द ऑब्टेन ग्राफ इन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इज है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड प्रिवेंट रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल, तो इसमें भी होगा सही आंसर हो जाएगा आपका हेडवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक सपोर्ट द मेजनरी इन ओपनिंग ऑफ डोर एंड विंडो, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका लिंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्समेंट सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी, कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इसमें हो जाएगा आपका W² / 8। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और
और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कि हाल ही के SSC JEE में पूछा गया है और RRB में पूछा गया है। तो चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। हम दो पेपर देखे थे SSC और RRB, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेट में भी तो पूछा ही जाता होगा, देखे नहीं स्टेट का लेकिन पूछ, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रट लीजिए, टंग टिप पे रहना चाहिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेंड इन स्ट्रक्चर। तो आपका सही आंसर है बसाल्ट, ठीक, बसाल्ट इज सही से। तो 109 नंबर क्वेश्चन है अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइनिंग ए RCC स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड इज। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर मोर इकोनॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए सिंगल रिविटेड ज्वाइंट द एक्सपेक्टेड इफिशियंसी ऑफ स्टील पाइप ज्वाइनिंग इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें 0.63 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम फॉर मीडियम लोडिंग ऑफ कंटिन्यूस बीम इज एज्यूम टू बी ऑफ द टोटल स्पेन। तो इसमें सही आंसर 1/12 टू 1/15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म विथ आइदर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट द फ्री एंड ऑफ ए शाफ्ट द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्ले विच कंटेन कायोलिमाइट हैज ए एक्टिविटी वैल्यू कितना होता है, वो जो होता है 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज टू इंक्रीज द हेट हाइड्रोलिक पंप आर। तो इसमें सही आंसर कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एट ए प्लेस द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट मून 182°30' द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट द पॉइंट विल बी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2°30' -2°30'। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें जो दिया हुआ है उसमें कौन प्रिज्मेटिक कंपास का पार्ट नहीं है, तो वह आपका राइडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ब्लैंक आर यूज टू विद अ पाइप लेड इन रिवेट विथ अनलिवन बेल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पी इज द वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार एंड एल इज द लेंथ, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू द सेल्फ वेट इट, ए इज द एक्सियल रिजिडिटी। तो इसमें सही हो जाएगा PL upon 2AE। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्मूथ पाइप इफ आर रिप्रेजेंट द रेनॉल्ड्स नंबर फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 0.316 R। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर, जानते हैं इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होता है, तो जाएगा इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाय सरफेस टेंशन फोर्स। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स जो होता है, इसमें इनर्शिया फोर्स कितना होता है rho L² / V² μ L V। तो इसे निकाल सकते हैं आएगा आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 121 नंबर क्वेश्चन सरफेस प्रोफाइल इज फोर्स वर्टेक्स फ्लो। तो इसमें आपका हो जाएगा सही आंसर पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिगर दिया हुआ है तो इसमें बताइए कि कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक, फ्लेमिश बॉन्ड आई दे भी सकते हैं कि 1/3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ वाटर यूज इन कंक्रीट मस्ट नॉट लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए, वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलिका द एक्सेस ऑफ सिलिका कंटेन ब्लैंक द कोहेजन बिटवीन द अर्थ पार्टिकल्स, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लास पीक वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शुड नॉट बी मोर देन, फर्स्ट क्लास बीस है तो 20% होता है, ये पता होगा 20, 22, 25। 20 हो जाए फर्स्ट के लिए, 22 सेकंड के लिए, 25 ये 25 या 24 थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके, तो किसके कारण डिके हो जाता है, वो मतलब मैग्नीशियम के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्लेन कंक्रीट पायर शुड नॉट बी लेस देन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/12। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ विजुअल हॉरिजॉन फ्रॉम टॉप ऑफ ए 134 लाइट हाउस विल बी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 44.62। तो बना लीजिएगा आप, सही हो जाएगा, जानते हैं आप लोग से बन जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेसेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज यूजुअली, तो उसमें हो जाएगा सही आंसर वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिक्वेट आर डिजाइन टू कैरी ब्लैंक, तो कितना हो जाएगा 52 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लैंक मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राउंड मेजरमेंट आर मेड, तो सही आपका रेडिएशन होता है। ठीक है, वीडियो पसंद पड़ा था वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो करना भूले ही नहीं, ताकि और स्टूडेंट भी देख सके UPSC में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका 13 नवंबर 2016 को पूछा गया क्वेश्चन का। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज, तो वो होता है ग्रेटर देन 5%, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यील्ड ऑफ वेल विल बी, तो वो कितना होता है यील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट डेट काउच इन क्रस्टेशन इज, तो आपका सही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका सही। 135 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए स्प्रिंग इज कट इनटू द पार्ट व्हेन द एवरी इंडिविजुअल पार्ट आर स्टिफनेस बिकम, तो इसमें सही हो जाएगा आपका डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन इज सिचुएटेड सॉइल द सॉइल ऑफ परकुलेशन इज ब्लैंक द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो इसमें हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोन इज सेड टू बी हाई इफ द टफनेस इंडेक्स ऑफ द स्टोन इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज, तो इसमें होगा आपका सही आंसर मोर देन 19। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस फार्मूला दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लाइन ऑफ साइट इज एंड स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली, तो इसमें होगा सही हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ओनली सुटेबल फॉर अ स्मॉल बॉन्ड और थिन आर्क डैम, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ओवर वुंड लेफ्ट आफ्टर द ब्रांचेज बीन कट ऑफ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिंग गैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इम्पेरिकल फैक्टर सी इज एज्यूम्ड, तो सी कितना एज्यूम्ड करते हैं 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज प्रेशर हैज ब्लैंक वैल्यू, कितना होता है गेज प्रेशर, तो वो लेते हैं 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है गेज प्रेशर, ऊपर हो गया तो गेज प्रेशर और नीचे हो गया तो वॉल्यूम प्रेशर वैक्यूम प्रेशर होता है ना, ये इसको मानते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहाँ होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको नीचे हो गया तो वैक्यूम प्रेशर, इसको बोले गेज प्रेशर, यहाँ पर हो गया तो जीरो प्रेशर भी हो सकते हैं इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट फॉर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल सच एज वुड बी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज द टर्म एज स्वीट इफ द वैल्यू ऑफ TDS इज लेस देन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ कैलकाइट, ठीक है, तो केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। 146 नंबर क्वेश्चन है, वोर्टिसिटी ऑफ फ्लूड इज इक्वल टू, तो क्या होता है वोर्टिसिटी, तो इसका सही ऑप्शन है डबल ऑफ द रोटेशनल कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये फ्लूड का क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन ही है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया, तो इसमें बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा सॉइल टेम्परेचर फॉल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ अ स्ट्रेन, स्ट्रेन का तो बच्चा बच्चा बता देगा यूनिट कौन सा होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, स्ट्रेन होता है चेंज, कुछ भी लीजिएगा चेंज बाई ओरिजिनल कर देते हैं उसमें,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ ए सॉइल इट इज एज्यूम डैट ब्लैंक मॉइस्चर इज लॉस्ट, तो कितना होता है? नो, नहीं होता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन, पेल्टॉन विल टर्बाइन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई हेड लो डिस्चार्ज टर्बाइन। ठीक है, तो ये रहा आपका ईपीपीसीएल का क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ईपीपीसीएल में, आपका तैयारी रहेगा अच्छा से तो आपका निकल सकता है, 100% बोल सकते हैं आपका निकल सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।